नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। राजपीपला कस्बे के जाटा नगर में एनसीसी लीडरशिप अकादमी में सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक का शुभारंभ किया गया, जिसमें बड़ौदरा ब्रिगेडियर अमित, कमांडिंग कर्नल देवन भारद्वाज, राजपीपला के एनसीसी प्रभारी अधिकारी और सूरत के कर्नल काछा शर्मा और एनसीसी के नाशकरी डिवीजन के सदस्य मौजूद रहे। देश भर के कुल 3 एनसीसी निदेशालय और देश के विभिन्न 4 राज्यों के लगभग 3000 एनसीसी कैडेट इस सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक से जुड़ गए हैं। पहले चरण में लगभग 5 कैडेट्स की एक टीम को आज सरदार पटेल नर्मदा ट्रैक पर रवाना किया गया, जो कि फेज एक में आयोजित किया जा रहा है। सूलपेशनर वन्यजीव अभ्यारण्य में सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच 7 किलोमीटर दूर इन कैडेट्स को एक वास्तविक अनुभव मिलेगा और जंगल में एक रात बिताएंगे। करजन बांध के जल ग्रहण क्षेत्रों के आसपास प्राकृतिक आवास के बीच करजन बैकवाटर जलमार्ग के साथ कैडेट अगले दिन बेस कैंप लौटेंगे। इसके बाद कैडेटों को कैडियन डैम और कादिया में सरदार सरोवर नर्मदा डैम और फूलों की घाटी का दौरा करने से पहले करजन डैम में उसके आसपास ट्रैकिंग की जाएगी। वहीं 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक दूसरा ट्रैक आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ौदरा के ब्रिगेडियर अमित ने अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 6 निदेशालय क्षेत्रों में भाग लेने वाले एनसीसी निदेशालय द्वारा इसे और मजबूत किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस शिविर का उद्देश्य परंपरा से परिचित होना है। इस अवसर पर राजपीपला एनसीसी लीडरशिप एकेडमी जटानगर के प्रभारी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल देवन भरद्वाज ने अपने स्वागत भाषण में सरदार पटेल ट्रैकिंग कैंप की सभी जानकारियां दी। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की रिपोर्ट। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज शहर से ताल्लुक रखती है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।